है सोलिड। नाउ स्टूडेंट्स, जिंक और कॉपर में कौन रिएक्टिव है आप देख सकते हो, और ये धीरे धीरे आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। क्या फॉर्म कर लेगा, जिंक। मींस रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको आती है तो आप केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से कर सकते हो विद रिएक्शंस। एक तो आपको फॉर्मूलाज लर्न करनी है अच्छे से, और आपको करनी है रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत ही अच्छी ट्रिक है प्यारे सोडी, कार मांगने आए क्यों जी, इंडिया तो लीड में है, कोई सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को रोक नहीं सकता। और प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के चेक करोगे तो आपको आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये क्या है बच्चे, एक्वस सॉल्यूशन, और ये कॉपर के सॉलिड। इट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन देखो स्टूडेंट्स, कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, और जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है स्टूडेंट्स, नहीं आयरन। देखो स्टूडेंट्स, जिंक मोर रिएक्टिव आयरन से भी, तो देखो आयरन से भी रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कैसे जो है रिएक्शन होते हैं मेटल के दूसरे मेटल सोर्स के साथ, तो यहाँ पर हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ आई एम टेलिंग यू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन गैस। एक बात याद रखो, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी से होती है तो उसको क्या बोलते हैं, जो कंपाउंड बनता है हाइड्राइड। जैसे पीछे ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था तो कंपाउंड का क्या नेम हो जाता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके मेटल का क्या नाम हो जाता है, ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड, ऐसे ही मेटल प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नाम आया हाइड्राइड, हाइड्राइड। तो क्या हो गया, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन क्या फॉर्म हो जाएगा, मेटल हाइड्राइड। मेटल एम मींस कोई मेटल कंबाइन होगा हाइड्रोजन गैस के साथ, तो क्या फॉर्म कर लेगा, मेटल हाइड्राइड। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नेशियम हाइड्राइड, मैग्नेशियम कंबाइन होगा हाइड्रोजन गैस के साथ तो क्या फॉर्म कर लेगा, मैग्नेशियम हाइड्राइड। इसकी वैलेंसी वन और इसकी क्या है टू, इस तरह से क्या फॉर्म करेंगे ये हाइड्राइड। ऐसे ही क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, लेकिन सबके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती हो। पोटाशियम देखो मोर रिएक्टिव है तो ये फॉर्म करेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, सोडियम सॉरी पोटाशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, इस तरह से इजीली कैल्शियम हाइड्राइड, सी ए की कैल्शियम की वैलेंसी टू, हाइड्रोजन की वन सी ए एच टू, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैग्नेशियम, मैग्नेशियम हाइड्राइड, मैग्नेशियम की टू, हाइड्रोजन की 1MgH2, तो ये क्या हाइड्राइड। लेकिन धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इनके साथ हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं होंगे, तो सभी मेटल्स हाइड्राइड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन गैस। जो मेटल्स हैं वो क्लोरीन गैस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, Na क्या है सोडियम मेटल, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है सोल्ट NaCl। स्टूडेंट्स जो भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है आप उन्हें बैलेंस करते हुए चलेंगे, या टू क्लोरीन है तो टू क्लोरीन, टू सोडियम तो टू सोडियम हो गई बैलेंस। ऐसे ही मैग्नीशियम की रिएक्शन क्लोरीन से, मोस्टली मेटल्स क्या करेंगे क्लोराइड्स फॉर्म। देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं हाइड्राइड, क्लोरीन के साथ कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मेटल्स क्लोराइड MgCl। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के पैरों में, क्लोरीन की मैग्नेशियम क्या फॉर्म हो गया बच्चे MgCl2 क्लोराइड। ऐसे ही सब बन जाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड सुना है ना, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा CCl4 क्लोरो फॉर्म, CHCl3 वो डिफरेंट है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, लेड क्लोराइड। अब धीरे धीरे फिर इनके साथ क्लोराइड्स नहीं बन पाते हैं। आई होप इज इट क्लियर टू यू।
क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्लियर है बेटा, क्लोरीन के साथ क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, और ये जो ऊपर जो मोस्ट रिएक्टिव है ये इजिली कंपाउंड फॉर्म करते हैं, धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम, रिएक्शन भी स्लो होती चली जाती है, और ये नीचे जो आपको लिस्ट रिएक्टिव दिख रहे हैं ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिल्वर गोल्ड हम पहनते हैं ये रिएक्टिव नहीं है, प्लैटिनम भी रिएक्टिव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लोराइड नेक्स्ट है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, लाइक सोडियम एसिड क्या ले लिया बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स ये सोडियम क्या है, कैटाइन फॉर्म करता है, पॉजिटिव फॉर्म कर देता है, क्लोरीन क्या फॉर्म करेगा, नॉन मेटल है, क्लोराइड फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करता है, तो ये कंबाइन होके बनाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके किचन में होता है, आप इसे खाते हो, सॉल्ट है ये, क्या है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, पूछ ले कॉमन सॉल्ट, पीछे भी पढ़ा था चैप्टर 2 में, रॉक सॉल्ट जो प्योर प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है, ब्राउनिश होता है ना, उसमें अदर इम्प्योरिटीज भी होते हैं। प्लस मैंने आपको एक बात बताई थी, ऑक्सीजन भी होता, हाइड्रोजन भी है, क्या बनेगा, वाटर, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है ओनली हाइड्रोजन है तो क्या फॉर्म हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नो, टू एटम्स, वन एटम, टू से इंटू टू क्लोरीन, वन क्लोरीन, टू से इंटू टू सोडियम हो गई बैलेंस्ड। ऐसे ही मैग्नेशियम की भी, ऐसे ही कैल्शियम की, मैग्नेशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है बेटा, सेम ऐसे ही, चलो मैं आपको बता देती हूँ, सोडियम का हो गया, सेम ऐसे ही कैल्शियम प्लस एलसीएल, सिर्फ क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो, सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा, चलो वो भी बताती हूँ, ये देखो रटने की बात नहीं है, तो बड़े इजी है, फॉर्मूले याद कर लो सिंपल, प्लस हाइड्रोजन गैस, अब ये फॉर्मूला सही है, हाँ, पोटाशियम की वन पॉजिटिव इसके पैरों में, क्लोरीन की वन नेगेटिव इसके पैरों में, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव न्यूट्रल, और क्या वन और वन को लिखने की नीड है, बिल्कुल भी नहीं है, बन गया ऐसे ही बन जाएगा ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसका नाम है, दो तरह से बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो एच, क्लोरीन से है क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, बोथ आर एक्यूरेट। ओके, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये सॉल्ट बन जाएंगे सभी, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। बेटा इनकी स्टेट भी लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, कोई मेटल ले रहे हो वो क्या है बच्चे, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको पता है ये क्या है, सॉलिड, आपकी नोटबुक में लिखा है, ये क्या है गैस, और ये गैस और ये सॉलिड, तो ये क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये सॉलिड है ना स्टूडेंट्स, ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड लोग, एक तो एसिड का भी वेस्टेज होगा और बहुत ही डेंजरस होता है, और दूसरी बात मैंने आपको सिखाई थी चैप्टर 2 में, कोई भी एसिड, एसिडिक करेक्टर कब शो करेगा, जब उसे वाटर में डिसोल्व करोगे, पढ़ा था आपने चैप्टर 2, जब वाटर में किसी एसिड को डिसोल्व करोगे तो वो लूज करेगा आयंस, आयंस लूज करेगा, तभी तो रिएक्शन होगी। ओके, तो वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग, तभी तो रिएक्शन होगी पोटाशियम की क्लोरीन से, तो सेम वे रिएक्शन नीचे नहीं हो पाएगी, फिर वही ये लिस्ट रिएक्टिव है बेटा, तो रिएक्शन मेटल की, चलो मैं आपको सल्फेट का बताती हूँ, सोडियम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैसा सोल्ट बनाएगा बेटा, ये भी तो सोल्ट बना रहा है, देखो सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला गलत है मैम या सही, अरे खुद चेक करो, सोडियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, सल्फेट के पैरों में आएगी, क्लास 9th में आपने पढ़ा कोई ग्रुप है सल्फेट कार्बोनेट हाइड्रोक्सिल हाइड्रोनियम, तो उसको ब्रेक नहीं करते, ब्रैकेट में ले लो सोडियम की वैलेंसी ब्रैकेट के बाहर सल्फेट के पैरों में, और सल्फेट सोडियम की तो सॉरी 1 होती है, पता लग गया ना, सोडियम की तो वाले लिखने की नीड नहीं, लेकिन सल्फेट की होती है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव सोडियम के पैरों में, तो फॉर्मूला हो गया Na2SO4, और क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस, क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, और बेटा ये है एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट लेते हैं हम एसिड्स को,
हम रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट एसिड लेते हैं, कुछ परसेंटेज ले लेते हैं, हमारी रिएक्शन अच्छे से हो जाती है और सेफ भी है। लेकिन इसमें भी कई बार कपड़े हमारे बर्न हो जाते हैं, स्किन पे गिरकर स्किन भी बर्न हो जाती है। ठीक है, क्लियर। ऐसी सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सुने होंगे ये सारे नाम आपने देखे तो होंगे। अब आपको पता लगे कैसे होती है रिएक्शन। रिएक्शन मीन सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, कुछ फॉर्म कर रहे हैं। सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, कुछ फॉर्म, क्या मेटल्स बेस के साथ कंबाइन करते हैं, एसिड्स के साथ तो कर ही रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ क्या करते हैं, इजिली रिएक्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ बेटा, एल्युमिनियम और जिंक, आपकी बुक्स में आपको ये रिएक्शंस मिलेंगी, क्लास 8th में भी पढ़ी थी आपने। रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन किसके साथ बेटा, बेस के साथ। सोडियम एल्युमिनियम क्या है, मेटल। जिंक क्या है बेटा, मेटल। एल्युमिनियम की बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने ले लिया। एक्वस रिएक्शन होगी ना, आयंस लूज करेगा, सॉलिड है एल्युमिनियम, ये रिएक्शन होगी बेस के साथ तो क्या फॉर्म होगा, NaAlO2। पहले मैंने आपको अपने अर्थ में पढ़ा था, जब कोई भी कंपाउंड बनाते हो तो पहले कौन आता है, मेटल, और बाद में क्या आता है, नॉन मेटल। लेकिन फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुछ कंपाउंड में दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो फिर वहां देख लेंगे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, किसके टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, ठीक है। इसका साइज छोटा है, इसको हम पहले लेते हैं और आगे आप इसको हर क्लासेस में पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स। सोडियम NaAlO2, एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म करेगा, NaAlO2। सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1+, एल्युमिनियम की कितनी है, 3+, 3 और 1 टोटल 4+। ऑक्सीजन की होती है 2- और 2 है, देखो मैं आपको, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1+, एल्युमिनियम की कितनी है, 3+, टोटल होगी 4+। ऑक्सीजन की क्या है, 2- और 2 एटम है तो 2 2 जा 4-, न्यूट्रल हो गया ये कंपाउंड, सही है हमारा। सोडियम, क्या नाम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या है बेटा ये, सोडियम एल्यूमिनेट। ऐसे ही जिंक फॉर्म करता है, सोडियम जिंकेट, क्या फॉर्म करता है, सोडियम जिंकेट कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसी तरह से बेटा ये रिएक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी, ऑक्सीजन बेटा ये देखो NaAlOH, Al भी यूज हो गया, O भी यूज हो गया, क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जिंक की कर दो, जिंक है सोलिड, NaOH एक्वस, क्या फॉर्म होगा देखो, NaZnO2 प्लस NaOH, ब्रैकेट की नीड ही नहीं है यहाँ तो, एक्वस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस ना स्टूडेंट। सोडियम की वैलेंसी 1+, जिंक के 2+, ये तो 3+ और इधर 4- है ऊपर की तरह, तो सोडियम Na2 कर दो। अब क्या हो गया, 2+ यहाँ, सोडियम के 1+, 2 एटम है तो 2+, और ये 2+ टोटल 4+, और ये क्या है, 4- स्टूडेंट्स। ओके ना स्टूडेंट्स, ये हो गया सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। आई होप इज इट क्लियर टू यू, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस, ऑल ऑफ दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जैसे कि ये रह गए थे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से थे, जिंक और एल्युमिनियम के थे, Al2O3 और ZnO, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एसिड जैसे कि HCl,
HCl एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे। बेस जैसे कि NaOH ये इनके साथ भी रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे? सोल्ट एंड वाटर। सोल्ट एंड वाटर जो है ये फॉर्म करेंगे। जैसे ये हो गई वैसे ये हो जाएगी एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या फॉर्म होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव, क्लोरीन की 1 नेगेटिव, AlCl3। क्या बन गया? AlCl3। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे बेटा? वाटर। बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, यहाँ कितने हैं 3 एटम, यहाँ कितने हैं क्लोरीन का 1 एटम 3 और एल्युमिनियम के यहाँ 2। तो क्या करें, पहले ऑक्सीजन को ही ले लो बैलेंस कर दो, यहाँ ऑक्सीजन 3 है यहाँ 1 है। देखो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, क्यों ना 2 से इंटू कर दे, 2 3 जा 6 सिक्स सिक्स साइड ऑक्सीजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन हो गए। क्लोरीन कितने हैं 12, 3 4 जा 12 4 एल्युमिनियम, 2 2 जा 4 एल्युमिनियम, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। ओके ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड वाटर के साथ क्या फॉर्म करेगा बेटा? एल्युमिनियम क्लोराइड। जब देखो कोई सॉल्ट एसिड के साथ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो 100% कंफर्म है आपको कि ये एसिड है, जब एसिड के साथ कंबाइन हो रहा है तो सॉल्ट और वाटर दे रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट दे रहा है साथ में वाटर दे रहा है। इसका मतलब तुमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि एसिड और बेस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एक एसिड दूसरे बेस से कंबाइन होके क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। जब ये एसिड है और यहाँ प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर है तो ये क्या है? ऑटोमेटिकली बेस, ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस। अब यहाँ बेस के साथ ये क्या बनाता है देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म करेगा? एसिड फॉर्म करेगा। इसके साथ बन जाएगा वाटर H2O और Na, अभी तो बताया था Na सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2। अगर अटक भी जाओ ना तो चेक कर लो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और चेक कर लो चार्ज। ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव या 2 है 4 नेगेटिव, एल्युमिनियम का 3 पॉजिटिव, सोडियम का 1 पॉजिटिव, टोटल 4 पॉजिटिव। यहाँ है 4 पॉजिटिव, यहाँ क्या है 4 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया बच्चे? ये हो गया न्यूट्रल, ये कंपाउंड है सोडियम एल्युमिनेट। अब ये देखो बेस के साथ ये सब्सटेंस सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, इट मीन्स ये क्या है? ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एल्कलाइन है, तो ये क्या है? ऑटोमेटिकली एसिड। ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली एसिड। तो हो गया ना एम्फोटेरिक नेचर। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड बेस दोनों के साथ कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। सेम ऐसे जिंक ऑक्साइड को लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एक बस, इसके साथ ही जिंक ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा? ये सॉलिड है, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ZnCl2। जिंक की वैलेंसी क्या है? 2 पॉजिटिव, क्लोरीन के 1 नेगेटिव, प्लस H2O मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। क्या फॉर्म करेंगे बेटा? वाटर। ठीक है, क्या फॉर्म हो गया इधर? वाटर। ये सॉल्ट, ये वाटर, ये एसिड है, तो ये क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड, इस केस में बेस। नाउ स्टूडेंट्स ऐसे ही जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? बेस। और ये क्या फॉर्म करेगा? यहाँ Na है या Z है, ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? NaZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट। Na पहले पॉजिटिव, सोडियम को ही लो पहले, साइज छोटा इसका, NaZnO2, वहां था सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट ये क्या? सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम क्यूलेंसी 1 पॉजिटिव, जिंकेट 2 पॉजिटिव, लेकिन ये तो 2 और 1 3 पॉजिटिव हुआ और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव और 2 एटम है तो 2 2 जा 4 4 नेगेटिव, तो क्या करें कि 1 बढ़ जाए तो इसको 2 कर दो एटम, जिंक के 2 पॉजिटिव है और सोडियम के 1 पॉजिटिव और 2 एटम 2 2 4, तो ये हो गया Na2ZnO2। अब ये सब्सटेंस सही है सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। बेस के साथ कौन है जो कंबाइन होके सोल्ट और वाटर फॉर्म करेगा? वो होगा
acid, because acid and base combine together to form salt and water. It means zinc oxide acid के साथ भी combine होकर salt water form करता है और base के साथ भी. तो इसका nature क्या है, कैसा नेचर है इसका, एसिडिक भी है कुछ रिएक्शंस में, बेसिक भी है. ऐसे ये तो इनका नेचर का ऑक्साइड्स का एम्फोटेरिक, ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं. होल ऑफ दीज वर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. आई होप यू हैव क्लियर. ओके स्टूडेंट्स.